नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अड्डा ग्रुप पे। इस साल भी पीएसएल में अब हम ओवरऑल प्रॉफिट में चल रहे हैं। पहले दो मैच खराब गए थे, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने कमबैक किया और अब हम प्रॉफिट में हैं। चाहे थोड़ा हो, कोई कम होगा, कोई ज़्यादा होगा, लेकिन प्रॉफिट में ज़रूर होगा। अब बात कर रहा हूँ मैं पीएसएल की। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कैसे टीम बनता है, कहाँ पे अप्स होते हैं, कहाँ पे डाउन्स होते हैं, और भाई कई बार लक का मैटर कहाँ डिपेंड करता है। देखो, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो भाई लोग पहली बार देख रहे हो, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाना। बार बार नहीं कहूँगा, क्योंकि फिर वीडियो पे आप लोग कहोगे भाई टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के लिए बोल रहा है बार बार। तो आप लोगों की मर्जी है, अगर वीडियो पसंद आया तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अभी देख सकते हो पीएसएल में अच्छे खासे रिजल्ट आना चालू हो गया है और अब हम प्रॉफिट में है। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिल जाएगा? पहले कमेंट में मिल जाएगा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। जैसे वीडियो देख रहे हो उसके नीचे देखिए मोर लिखा है, उस पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम पे आ जाएंगे। बात कर लेते हैं आज का वीडियो क्यों इम्पॉर्टेंट है। भाई आज वीडियो में आपको सिखाने भी वाला हूँ कि कैसा टीम बनता है और पीएसएल में किस तरीके से टीम बनाना पड़ता है। ठीक है, क्या रिकॉर्ड्स होती हैं, किस तरीके से हम लोगों को दिखना पड़ता है। देखो दोस्तों, आठवें मैच को कवर करने जा रहा हूँ, कोशिश करूँगा इसी मैच से आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझा पाऊँ। ठीक है, कोटा ग्लैडिएटर्स की बात करूँ, इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करता हूँ। यहाँ पर से आठवां मैच जो है शाम को 7:30 बजे खेला जाएगा गदाफी स्टेडियम लाहौर में। सबसे पहला चीज़ जो आप लोगों को देखना है वो ये देखना है कि फेवरेट कौन सा टीम दिया जा रहा है। देखो दोस्तों, फेवरेट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो फेवरेट टीम है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला चीज़ आप लोगों को ये चीज़ देखना है फेवरेट कौन सा टीम है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, पीएसएल में एक ऐसा चीज़ है कि आपको फेवरेट जो देखो शुरुआत में मैच में लाहौर को फेवरेट दिया, लाहौर नहीं जीता है। दूसरे मैच में भी लाहौर फेवरेट था, नहीं जीता है। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को साफ साफ कह दिया था, इस साल शुरुआत का पहला वीडियो देख लेना, और शायद से मैंने डिलीट नहीं किया हो तो, क्योंकि मैं बार बार डिलीट करता रह रहा हूँ अपने वीडियो जो भी पुराने हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं साफ साफ मैंने कहा था कि देखो लाहौर का इस बार चांसेस जो है फाइनल तक पहुंचने का, वो थोड़ा फाइनल जीतने का वो थोड़ा कम नज़र आ रहा है। ठीक है, कम नज़र आ रहा है और चांसेस थोड़े कम हो सकते हैं, और वही चीज़ देखने को मिला है। तो इस कारण आपको समझना होगा कि भाई क्या ये मैच जीत रहा है या क्या ये मैच हार रहा है। सबसे पहले आपको अनुमान लगाना होगा। ठीक है, आपके अनुमान के हिसाब से आप जीतेंगे, आपके अनुमान के हिसाब से आप हारेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कोटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड, ये काफ़ी बेहतरीन खेल रहे हैं, बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, और जीतने की संभावना जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास में ज़्यादा दिख बताया जा रहा है। लेकिन हमको थोड़ा सा नज़र रखना पड़ता है कि फॉर्म किसका ख़राब हुआ है और किसका अच्छा हुआ है। ठीक है, तो कोटा ग्लैडिएटर्स के पास में बहुत अच्छा हुआ है। अब देखते हैं, बात कर लेते हैं आगे। ठीक है, टेलीग्राम पर आप लोग जुड़ जाना। भाई गिव अवे नहीं रख रहा हूँ आज के वीडियो में, क्योंकि आप लोग भाई ज़्यादा वीडियो में अभी जो है वो छोड़ो, वो सब अभी भी गिव अवे नहीं रख रहा हूँ। ठीक है, साफ साफ बात है, कुछ दिन में फिर से स्टार्ट कर दूंगा जब आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट लगेगा, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हो तो फिर क्या ही मतलब है गिव अवे करने का। भाई दिल टूट जाता है भाई। क्यों, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, हम ऐसे यूट्यूबर हैं ना भाई, हमारा खुद का दिमाग एक पल में बहुत अच्छा होता है, एक पल में ख़राब हो जाता है। कब? क्योंकि देखो दो चीज़ है, एक तो लक पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, और लक और सामने वाला टीम, जैसे अगर कल की बात करूँ, क्या चाह रहा है यार खुशदिल शाह बार बार ड्रॉप कर दे रहा है, इसमें हम क्या कर सकते हैं बताओ। अगर खुशदिल के शाह के पास में आप लोगों ने देखा, दो बार जो मैच हुआ चार कैच बंदे ने ड्रॉप कर दिया, और ऐसे में फिर आपको क्या करना पड़ता है। हमने तो भाई अच्छा किया था, लेकिन वहाँ पर गाली भी हम लोगों को सबसे ज़्यादा खाना पड़ता है। सिंपल सी बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। तो भाई इसी वजह से लक का मैटर थोड़ा डिपेंड करता है। तो भाई चलो छोड़ो, आगे जो भी है ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है। ठीक है, लेकिन हम लोग प्रॉफिट में जब आते हैं तब खुश रहते हैं, तो यही हमारा काम है, खुश रहना। ठीक है, और दुखी में फिर दुखी तो भाई डबल हो जाते हैं। चलो गदाफी स्टेडियम, सबसे पहले देखो क्या करना है, स्टेडियम को हमको भापना है कि स्टेडियम कैसा है। यहाँ पर चेजिंग पहले अच्छे से हो रहा है या बैटिंग फर्स्ट ज़्यादा जीत रहा है। नॉर्मली थोड़ा सा आप लोग अगर देखेंगे, ये अगर देखिए तो आप यहाँ पर से देखिए, बैटिंग फर्स्ट ने यहाँ पर क्या जीता है, 28% मैच जीत, 28 मैचेस जीते हैं 43 में से, और बैटिंग सेकंड ने ये 15 मैच जीता है। तो कहीं ना कहीं पीएसएल में आप अगर देखेंगे तो आपको ये नज़र आ रहा है कि बार बार एक बैटिंग पिच नज़र आ रहा है कि बल्लेबाजी जो पहले कर रहा है वो थोड़ा सा जीत रहा है, सेकंड इनिंग में रुक जा रहा है। इसको भी मद्देनज़र रखते हुए आपको टीम बनाने में मदद मिल रहा है, और अक्सर ये मदद मिलेगा भी। यहाँ पर से बात करें, पिच रिपोर्ट जो है बैटिंग पिच है, स्कोर देख लीजिए, हाईएस्ट स्कोर लोएस्ट स्कोर देख लीजिए। अब
उतना ही अगर नहीं भी देखना कोई दिक्कत नहीं है, आपको देखना यह है कि दो चीज मेन इंपॉर्टेंट है कि भाई बैटिंग फर्स्ट जीत रहा है या बैटिंग सेकंड जीत रहा है, ये चीज एक बार देख लेना। उसके बाद में आप देखना पिच में जो है स्पिनर्स को मदद मिल रहा है या फास्ट बॉलर्स को ज्यादा मदद मिल रहा है। आप अगर देखें यहां पर देख सकिए सेकंड इनिंग में 2 विकेट, टोटल 3 विकेट मिले इस मैच में, लेकिन पेसर्स ने ज्यादा लिया, वहीं पर 6 विकेट स्पिनर्स ने निकाला, यहां पर 6 विकेट, तो कहीं ना कहीं वो बराबर जरूर था। यहां पर देखिए 7 विकेट, यहां पर देख रहे 3 विकेट, तो कहीं ना कहीं पेसर्स का ज्यादा बोलबाला रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्पिनर नहीं है। तो जो लोग ग्रैंड लीग खेलते हो तो आपको यह सोचना है कि सारे ने अगर पेसर्स ले लिया तो फिर आपका ग्रैंड लीग तो नहीं लग रहा ना, क्योंकि वहां पर जो है स्पिनर भी विकेट निकाल रहा, तो कोई एक स्पिनर उसको रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कल की अगर मैं बात करूं, ना ही देखो खुशदिल शाह चला, ना ही आपको उसामा मीर कुछ खास चला, ना ही सिकंदर राजा रजा जो है वो उतने खास चले। चला कौन? एक आपको देखने को मिलेगा जो इफ्तिकार, जो लोगों ने नहीं लिया था। तो ऐसा आप लोगों को सोचना है कि ऐसा एक स्पिनर ज़रूर ले जो किसी ने नहीं सोचा है, ठीक है, नहीं सोचा है या उसके चांसेस आ सकते हैं। तो थोड़ा सा देखो रिस्क लोगे तभी आपको ग्रैंड लीग लगेगा, नहीं तो फिर हमारे सेफ टीम से भाई स्मॉल लीग 2 मेंबर्स 3 मेंबर्स 4 मेंबर्स तक ही आप जीत सकते हो। 4 मेंबर्स तो फिर भी छोड़ दो, क्योंकि वो भी एक ग्रैंड लीग का टीम बन जाता है। कई बार आपके सामने लक खराब होता है तो सामने एक ऐसा बंदा आ जाता है जिसने पता नहीं क्या टीम बना रखा हो, उसका लक आज इतना बढ़िया रहता है, ये चीज़ हो जाता है। तो 2 मेंबर्स 3 मेंबर्स बहुत बढ़िया रहता है, और कभी कभी यार 4 मेंबर्स भी खेलने का मन करता है, क्योंकि लालच आ जाता है कि थोड़े पैसों में ज़्यादा कमा ले। ठीक है, अब देखो टोटल 43 मैच में पेसर्स को 371 विकेट मिले हैं, 144 स्पिनर्स को मिले हैं। तो आप लोग ये नज़र डाल दीजिए कि भाई यहाँ पर स्पिनर्स को भी मदद मिला है। मैच इस प्लेट की बात करें तो देख सकते हैं कोटा ग्लैडिएटर्स ने 8 जीते हैं और यूनाइटेड ने भी 9 जीते हैं। और आप उठा लो भाई PSL के रिकॉर्ड्स उठा लो, आप लोगों को यही चीज़ देखने को मिलेगा। ये और इस जो दो टीम होते ना उनमें ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। तो यहीं पर सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है इस PSL में टीम बनाने में, भाई फट के हाथ में आ जाता है, सच बता रहा हूँ कि टीम बनाने, क्योंकि आप कैसे कहोगे कि भाई फेवरेट है कौन। अब देखो ये कभी फेवरेट बन जाए, ये कभी फेवरेट बन जाए, क्योंकि बराबर आंकड़े नज़र आ रहे हैं ना। तो PSL जो है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप फेवरेट ढूंढने में मुश्किल ज़रूर हो जाएगा, आप मतलब ऐसी की तैसी लगने वाली है उस चीज़ में कि आप फेवरेट ढूंढो, और जब तक फेवरेट नहीं ढूंढोगे तो तब तक तो टीम भाई बनना ही नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूँ आप लोगों को टीम अब बनाना है, किस किस्म का टीम बनाना है आप लोगों को वो बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर से देख लीजिए कोटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या है। जसवंत रॉय, शॉज शकील, ठीक है, अरे भैया गायब हो गया क्या? चलिए बै चल जा मेरे लाल, पता नहीं जो भी है, जैसा भी है सर, चल नहीं रहा, जो भी छोड़ दीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर से जसवंत रॉय का, ठीक है। जसवंत रॉय देख सकते हैं यहाँ पर से राइट हैंड बैट्समैन है, ठीक है, राइट हैंड बैट्समैन। शॉज शकील, ये ऐसे दो खिलाड़ी हैं जो हर मैच में अच्छे चल रहे हैं, हर मैच में अच्छे चल रहे हैं। उसके बाद में ख्वाज नफ़े, ये भी अच्छा करके दिया लास्ट मैच में। रिली रॉसो फ्लॉप जरूर गया है दोनों मैच में, उतना अच्छा नहीं कर पाया। सरफराज अच्छा करना जानता है। रदरफोर्ड ये भी एक ठीक ठाक खिलाड़ी है। यहाँ पर से अगर मैं बात करूँ वकील हुसैन है, मोहम्मद वसीम जूनियर है, हुसनैन है, आमिर है, और यहाँ पर से अबरार हैं। अब आपको देखना है कि भाई डेथ ओवर्स के गेंदबाज कौन करवा रहे हैं। डेथ ओवर्स के गेंदबाज को ज़्यादातर विकेट्स अच्छे मिल जाते हैं, शुरुआती जो पहला ओवर डालते हैं ना, पहले इनिंग में जो बॉलिंग डालते हैं उसमें डेथ ओवर्स कौन करवा रहा है ये देखना पड़ता है। और सामने वाले बल्लेबाज भी देखने, ऐसा होता है कि मिडल ऑर्डर्स के बल्लेबाज, ठीक है, मिडल, क्योंकि आपका डेथ ओवर और मिडल ऑर्डर का बल्लेबाज आया तो फिर अगर अच्छा बल्लेबाज है मिडल ऑर्डर का, मतलब नीचे तक बल्लेबाजी अच्छा है जैसे ऑस्ट्रेलिया की रहता है, तो उसमें फिर डेथ ओवर्स नहीं जाएंगे ना हम लोग। वहाँ तो फिर भाई ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग ऑर्डर इतना तगड़ा कि बॉलर्स भी मार जाते हैं, तो वहाँ पर कभी कभी रिस्क लेना पड़ता है और बॉलर सामने वाली टीम का लेना पड़ता है, वो अलग बात है। यहाँ पर से देख सकते हैं ये वाला टीम है, अभी बात कर लेते हैं। आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपका फेवरेट टीम है कौन। आपको कोटा ग्लैडिएटर्स रखना है या फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड रखना है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड अगर आपका फेवरेट है तो आप देखिए यहाँ पर से जैसन रॉय है, यहाँ पर से शॉज शकील है, यहाँ पर से नफ़े है, रिली रॉसो है, सरफराज है, यहाँ पर से अकील हुसैन है, मोहम्मद वसीम है, हुसनैन है, आमिर है और अबरार है। अब देखो, अब ये आपने सोचा कि यूनाइटेड इस्लामाबाद जो है वो आपका फेवरेट टीम है और इसका पहले बॉलिंग आ गया, तो भाई इस टीम का अगर बॉलिंग आया तो ये टीम कब जीत सकता है। बॉलिंग आया तो ये टीम तभी जीत सकता है जब इसके बॉलर्स ने कुछ अच्छा किया हो,
ठीक है, तो आपको तब इसके बॉलर्स पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर से मोहम्मद वसीम आपको 4 ओवर करके दे देंगे, आमिर 4 ओवर करके दे देगा, या आपको जो भी लगता है बॉलर्स में कि ये अच्छे कर सकते हैं, तब आपको उसके बॉलर्स को सोचने हैं। अब आपको लगता है कि भाई नहीं, बल्लेबाजी आया है इस टीम का, कोटा ग्लैडिएटर्स का, तब ये टीम कब जीत सकता है, जब इसकी बल्लेबाजी बहुत ज़बरदस्त हुआ हो, नहीं तो भाई कम बॉलिंग में तो वैसे भी जीतना है। तो इसके बल्लेबाजों पे फिर थोड़ा सा फोकस करना है कि हाँ इसकी बल्लेबाजी आया है तो यहाँ पर बल्लेबाजों पे हम लोग ज़्यादा फोकस करें। ये पॉइंट बहुत सारे आते हैं, लेकिन चलो वो बाद में बताएंगे। अभी मेरे टीम में कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी के लिए दोस्तों कन्फर्म खिलाड़ी जो है मेरे टीम में, यहाँ पर से मोहम्मद वसीम जूनियर है, यहाँ पर से कन्फर्म है मेरे टीम में रहने वाले हैं। पहले इनिंग में बॉलिंग में काफ़ी ज़बरदस्त रहने वाले हैं। इसके बाद मैं बात करें, अकील हुसैन हो सकते थे, लेकिन मैं वो डिपेंड करेगा कि कब रखूँगा, इन पर मैं डिपेंड हूँ। अभी टॉस के बाद मैं इनका डिपेंडेंट होगा। हुसैन रख सकते हैं, ठीक है, कारण ये है कि बढ़िया बॉलिंग करते हैं। और बात करें तो पहले इनिंग में अगर बॉलिंग आए तो फर्स्ट इनिंग के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे, सेकेंड इनिंग के लिए रिस्क लिया जा सकता है। मोहम्मद आमिर भाई फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग देख लिया जाएगा किसको रखें। इन तीनों में से थोड़ा सा हम लोग, ये तो चलो कंफर्म है, बढ़िया है, ये पिक कंफर्म रहेगा। इन दोनों में से हम लोग सोचेंगे कि किसको मैं लेने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। वहीं पर अगर मैं बात करूँ रिली रोसो यहाँ पर से कंफर्म रहेंगे। भाई दोनों बार फ्लॉप हो चुके हैं, ऐसा लग रहा है कि पारी अच्छा आने वाला है, तो रिली रोसो मेरी टीम में जगह बना के रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में शॉर्ट शकील को कोशिश करेंगे रखने की, जसवंत राय और शॉर्ट शकील में से किसी एक को ले सकते हैं, किसी एक को ड्रॉप भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ से बात करते हैं, कॉलिन मुनरो है लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, कुछ खास किए नहीं है इस सीजन। एलेक्स हेल से कंफर्म रहने वाले हैं मेरी टीम में। जॉर्डन कॉक्स से भाई ये बल्लेबाजी कहाँ देंगे फिर से, भाई इनकी बल्लेबाजी बैटिंग ऑर्डर कुछ भी फिक्स नहीं होता, तो आपकी मर्जी है कहाँ रखना चाहते हो। आगा सलमान एक बेहतरीन परफॉर्मेंस आया लास्ट मैच में, लेकिन भाई क्या ही बात करें कि देख लेंगे भाई इस बार रखना है नहीं रखना है, वैसे अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं आगा सलमान, ठीक है। वहीं पर शदाब खान वो भी बेहतरीन ऑप्शन। इमाद वसीम है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स जो कि बॉलिंग से भी बढ़िया कर रहे हैं। फहीम अशरफ पहले इनिंग में गेंदबाजी आए तो आपका डिफरेंशियल पिक हो सकता है फहीम अशरफ, जो कि लोगों ने नहीं लिया। नसीम शाह, टाइमन मिल्स, ये तीन जो है अच्छे बॉलर रहेंगे पहले इनिंग में बॉलिंग आए तो, ठीक है। तो ये मेरे टीम में रहेंगे। अब आप लोगों को मैं बता देता हूँ मेरा टीम क्या रहने वाला है, उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ प्लेयर्स स्टैट्स दिखा देता हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। जैसन रॉय 37 का एवरेज है हेड टू हेड में, बाकी रिसेंट फॉर्म भी बढ़िया नजर आ रहा है, वेन्यू पे भी बात करें तो यहाँ ठीक है, और ओवरऑल एवरेज भी अच्छा है, तो भाई अच्छा खिलाड़ी है जैसन रॉय, रख के चल सकते हैं आप लोग, ठीक है, बढ़िया खिलाड़ी है। इसके बाद में शॉर्ट शकील की बात कर लेते हैं, बाई फॉर्म बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, एक भी मैच में निराश नहीं किया है, बढ़िया खिलाड़ी, साथ ही साथ में बढ़िया एवरेज भी बहुत बढ़िया है, ट्राई कर सकते हैं बिल्कुल अपनी टीम में। अगर आपको कोटा ग्लैडिएटर्स फेवरेट रखना है ज़रूर जाइए, उन दोनों के साथ में जाना पड़ेगा। वहीं पर ख्वाजा की बात करते हैं, 2 मैच में 66 का इनका एवरेज रहा है, नॉर्मल सब खिलाड़ी, देखते हैं अब कितना परफॉर्मेंस आता है। 60 रन नॉट आउट गए हैं लास्ट मैच में। रिली रोसो 2 मैच भाई खराब आ चुके हैं, यहाँ पर रेगुलरली खराब आ रहा है, 1-2 मैच नहीं भाई रेगुलरली खराब आ रहा है। आप चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो, चाहो तो रख सकते हो, परफॉर्मेंस आने की उम्मीद कर रहे हैं कि कमबैक होगा इनका, तो भाई क्या ही बात करें, पीएसएल में तो अच्छे करते थे, ये पीछे से ये बहुत बेकार खेलते हुए आ रहे हैं, देखते हैं क्या होता है इस बार। सरफराज अहमद ये एक ज़बरदस्त खिलाड़ी रहते हैं, मिडल ऑर्डर नीचे में बल्लेबाजी आते हैं, जब टीम की ज़रूरत पड़ता है अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, लास्ट मैच में कुछ खास किए नहीं है, रिसेंट फॉर्म खराब चल रहा है, लेकिन अगर आप देखें यहाँ 29 का, साथ ही साथ में विकेट कीपरिंग का बैकअप और बढ़िया रहता है, वैसे पीएसएल के अच्छे खिलाड़ी रहते हैं। रदरफोर्ड की बात कर लो, मैं अभी नहीं ले रहा हूँ, अभी कोई चांसेस नहीं है। अकील हुसैन चांसेस हो सकते हैं, 2 मैच में 3 विकेट और 5 इनिंग में 4 विकेट यहाँ पे भी निकाल चुके हैं, बढ़िया है, देखते हैं। पहले इनिंग में बैटिंग आए तो थोड़ा सा बैटिंग का मौका मिलेगा, और सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा क्या पता टर्न मिल जाए, इस वजह से ले सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मोहम्मद वसीम जूनियर 7 मैच में 7 विकेट इसमें रहा है, वेन्यू अच्छा रहा है, ओवरऑल पीएसएल में अच्छा रहा है, ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। मोहम्मद हुसैन की बात करूँ 6 मैच में 3 ही विकेट मिला है इस वेन्यू पे, वहीं पे हेड टू हेड बहुत बढ़िया है, ट्राई कर सकते हैं, ओवरऑल बढ़िया पिक रहते हैं। मोहम्मद आमिर 7 मैच में 5 विकेट इस वेन्यू पे, 18 में 18 विकेट हेड टू हेड में कुछ खास नहीं है, 68 में 65 विकेट ट्राई करना चाहो पहले इनिंग में रख सकते हो। अबरार को मैं नहीं ले रहा हूँ। कॉलिन मुनरो भाई 8 मैच में 327 रन हेड टू हेड में बहुत बढ़िया आंकड़े रहे हैं, ऐसा लग रहा है भाई कमबैक हो सकता है, और 6 मैच में 166-33 का एवरेज रखेंगे अपने इस टीम में कॉलिन मुनरो को। एलेक्स हेल्स भाई फ्लॉप गया है, थोड़ा सा मुश्किल होगा भाई लोग इस टीम में,
थोड़ा टीम बनाने में और थोड़ा सा बाद में ना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर झेलना पड़ सकता है इस मैच में। जॉर्डन कॉक्स बैटिंग ऑर्डर पता नहीं है भाई। आगा सलमान की बात करें, 5 मैच में 170, बढ़िया रहा है फॉर्म, हेड टू हेड में थोड़ा ख़राब रहा है। तो आगा सलमान पे चाहो तो रिस्क ले सकते हो, लेकिन इस बार आगा सलमान बढ़िया खेल रहा है। आज़म खान अभी के लिए नहीं ले रहे हैं। इमाद वसीम फॉर्म ख़राब चल रहा है, बॉलिंग से विकेट निकाल ही देते हैं। थोड़े से रन की बात करें, पिछला मैच बहुत ही ख़राब था भाई, सीधा विकेट में मतलब क्या ही बहुत अनलकी रहे थे। शादाब खान बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे, कैप्टनसी के बेस्ट चॉइस रहने वाले हैं। फहीम अशरफ डिफरेंशियल पिक, पहले इनिंग में बॉलिंग आए तो विकेट निकाल सकता है। 16 में 17 और 190 रन भी बना चुके हैं, लेकिन इस सीज़न बहुत नीचे में लाए जा रहे हैं। नसीम शाह 11 मैच में 16 विकेट, बढ़िया पिक, साथ ही साथ में विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज। टाइमर मिल्स विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज, बहुत बढ़िया रहते हैं। उमेद को मैं ले नहीं रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं टीम की, तो गाइस टीम किस तरीके से रहेगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सो होपफुली थोड़ा बहुत आप लोगों को जानकारी मिल गया होगा किस तरीके से टीम बनाएंगे। तो गाइस यहाँ पर से बात करें तो एक है जॉर्डन कॉक्स है, ठीक है, अच्छे हो सकते हैं जॉर्डन कॉक्स। इसके साथ में सरफराज उतने कुछ खास तो रहेंगे नहीं, बाकी देख लीजिएगा और कौन कौन अच्छे हो सकते हैं यहाँ पर से। अभी के लिए जॉर्डन कॉक्स ठीक है। जसवंत रॉय एलेक्स हेल्स बहुत अच्छे, ये दोनों अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। शौत शकील अच्छे चल रहे हैं फॉर्म में। आगा सलमान अच्छे चल रहे हैं। शादाब खान अच्छे चल रहे हैं यहाँ पर से। टाइमन मिल्स अच्छे चल रहे हैं। नसीम शाह अच्छे चल रहे हैं। इमाम वसीम जूनियर चल रहे हैं यहाँ पर से। जो रिस्क लेना है जैसे देखो अकील पे बाहर कर सकते हैं। मोहम्मद आमिर तो चलो अच्छा कर रहा है तो ठीक ठाक पिक आ रहा है, बाकी देख लेंगे कब बॉलिंग आ रहा है कब बैटिंग आ रहा है। तो यहाँ पर से आपको लेना है जैसे कि मुनरो को अगर चाहो तो ले सकते हो मुनरो को। और यहाँ पर से अगर मैं बात करूँ तो आपको और क्या मौके मिल जाएंगे। अभी के लिए यही ज़्यादा चॉइसेस रहेंगे रहने वाले हैं। कॉलेज मुनरो को ले सकते हो, बाकी और ज़्यादा कुछ चॉइसेस नहीं। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी बताते हैं। कैप्टन जो है इस टीम में आप लोग बहुत सारे अलग अलग ट्राई कर सकते हो, डिफरेंट पिक रख सकते हो। शादाब खान नो डाउट एक अच्छे चॉइस रह सकते हैं आपके लिए कैप्टनसी के, ठीक है, चॉइस बहुत बढ़िया है। इसी के साथ में आप चाहो तो वाइस कैप्टन भी कर सकते हो और कैप्टन अपना रोटेट भी कर सकते हो। किस किस को कर सकते हो, जो ग्रैंडली खेल रहे हैं वो आप कहाँ कहाँ ट्राई कर सकते हो। जैसे कॉलिन मुनरो को लोगों ड्रॉप करके रखे हैं, आप वहाँ कैप्टन कर सकते हो। आप एलेक्स हेल्स को कर सकते हो। शौत शकील जसवंत रॉय दोनों में से बढ़िया ही परफॉर्मेंस आ रहा है, आप यहाँ ट्राई कर सकते हो क्योंकि एक बैटिंग फ्रेंडली पिच नज़र आ रहा है बार बार। आगा सलमान चाहो, मैं आगा सलमान को तो नहीं करूँगा, टाइमन मिल्स है एक अच्छे ऑप्शन है। तो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा भाई आप कैप्टन किसको करने वाले हो। बाकी मैंने आपको बहुत सारे चीज़ बताए हैं, आप अपने हिसाब से करो। जो सेफ चॉइस रहेगा वो कहीं ना कहीं शादाब खान रहने वाला है। शादाब खान बहुत बढ़िया कर भी रहा है, तो आपकी मर्जी है बाकी आप क्या करना चाह रहे हो। तब तक के लिए इजाज़त दे दीजिए, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। लव यू ऑल। सब लोगों को अगर मज़ा आया है और ज़्यादा और भी समझना है तो कमेंट कर दीजिए क्या क्या और आपको चाहिए, और साथ ही साथ में टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे कैसे जुड़ना है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है और पहले कमेंट में भी मैंने पिंड कर दिया है, तो जुड़िए। वहाँ पर फैंटेसी से रिलेटेड हर एक अपडेट्स आते हैं, बढ़िया टीम मिलेगा आपको और आशा करता हूँ फिर से एक ज़बरदस्त विनिंग करेंगे। लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, लव यू।